आधा शहर के लोगों ने बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए कम पावर के ट्रांसफार्मर से लगातार आ रही लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर आज जिलाधिकारी बांदा के कार्यालय पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई। पूरा मामला बांदा शहर के मोहल्ला कालका चौराहा फूटा कुआ कल्लू लोद का पुरवा का है, जहां की स्थानीय महिला व पुरुष आज बिजली विभाग से परेशान होकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर लो वोल्टेज से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में छोटा ट्रांसफर लगा हुआ है, जिससे पावर बिल्कुल नहीं आती। इस भीषण गर्मी में लो वोल्टेज से पंखे भी नहीं चल पाते, जिससे छोटे छोटे बच्चे गर्मी से परेशान रहते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते। उक्त समस्या का तुरंत निदान कराया जाए व ट्रांसफार्मर बदला जाए, जिससे स्थानीय लोगों को पूरी तरह से लाइट बिजली मिल सके। भैया बिहारी गुप्ता, कहाँ से आए हुए हैं? पल्लरी से। क्या समस्या को लेकर आए? लाइट की समस्या है सर, फ्यूज कम आता है, हमारे यहाँ पंखा भी नहीं चल पाती, आज नाम के लिए लाइट आ रही है। अच्छा, ये कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? ये समस्या है 3 महीने। 3 महीने से? तो क्या किसी अधिकारी को अवगत कराया अभी तक आपने? सर अवगत कराया है जी साहब। तो क्या कहा जी साहब? उन्होंने कहा देखते आश्वासन दिया। कौन जी साहब है, क्या नाम उनका? कबीर साहब। कबीर साहब आश्वासन दिए हैं कि देखते हैं लेकिन आश्वासन हो गए एक महीने, लेकिन अभी सुधार कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह में आप लोगों को काफ़ी गर्मियों जैसे गर्मी पड़ रही है, इससे काफ़ी समस्या आती होंगी। सर बच्चे सो नहीं पाते, रात भर रोते हैं, लाइट दिन में तो ठीक है काट लेता है, लेकिन रात में कैसे गर्मी में कटे? और पानी की भी समस्या, सब टेबल नहीं चलते। अच्छा। पानी कहाँ से लाएंगे? तो आप लोग आज कहाँ आए हैं? डीएम ऑफिस। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पानी और लाइट दोनों आए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।